हे गाइस, एम ओम प्रकाश, एंड आज हम बात करेंगे उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिकेट। ठीक है, बहुत लोगों का डीएम आया था, बहुत लोगों का मैसेज आया था, बहुत लोगों ने इंस्टा पे भी डीएम करा था। उन्होंने क्वेश्चन करा था कि भैया मैं भी बहुत छोटा हूँ, 6-7 साल का हूँ, या फिर उनके पेरेंट्स ने करा था कि 6-7 साल का मेरा बच्चा, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है? तो ऑब्वियसली वो अब उसको डाल सकता क्रिकेट के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एकेडमी जाएगा, 2-3 साल में वो सीख जाएगा। ठीक है, सीखने के बाद उसके पास बहुत टाइम मिलेगा, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, क्या अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 सब रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास बहुत चांस रहेगा कि वो हो सकता है आगे चल के इंडिया या फिर आईपीएल के लिए वो खेल जाए। ठीक है, बट बहुत लोगों का एक और डीएम क्या आया था कि भैया मैं 16 का हो गया हूँ, ठीक है, क्या मैं अब यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट कर सकता हूँ? तो देखो, 16 कोई ज़्यादा एज नहीं है, आप यहाँ से क्रिकेट ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप रिप्रेजेंट इंडिया के लिए और आईपीएल के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और एक और डीएम आया था, इस बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया मैं 23 साल का हो गया हूँ, ठीक है, या फिर ब्रो मैं 23 साल का हो गया हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट स्टार्ट कर सकता हूँ? तो मेरा जो यहाँ पर रिकमेंड है कि आप यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट ना ही करो तो बेहतर है, बिकॉज यहाँ पर अगर 23 साल के आप हो के आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आपको सीखने में भी टाइम लगेगा और आप रिप्रेजेंट क्या ही कर सकते हो, आपके पास ना तो 19 बचा, ना ही 23 बचा, ना ही कुछ बचा। ठीक है, आपके पास एक चीज़ बचा, ऑप्शन क्या, ओपन में क्या, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुसाकर ट्रॉफी, यही सब चीज़ें आपके पास बचा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, ना आप अंडर 16 स्टेट खेलो, ना आप 19 स्टेट खेलो, ना 23 स्टेट खेलो, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे 23 में स्टार्ट करके मैं इंडिया और आईपीएल खेल जाऊँ, तो हाँ, वो 1% कब खेल सकते हो, जब आप बॉलर हो, और बॉलर हो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ठीक है, टैलेंट क्या है, 145 प्लस फेंक रहा है स्पीड, 140 प्लस फेंक रहा है स्पीड, तो वो हो सकता है वो रणजी ट्रॉफी खेल जाए, हो सकता है वो सैयद मुसाकिर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी कुछ भी खेल जाए। ठीक है, उसके पास चांस है, हो सकता है नेट बॉलर बन जाए, आईपीएल का नेट बॉलर बन जाए, हो सकता है वो इंडिया का नेट बॉलर बन जाए, तो उसके पास बहुत चांस है। ठीक है, कि वो खेल सकता है। बट एज अ बैट्समैन आप 23 साल में स्टार्ट करते हो, सीखने में भी आपको टाइम लगेगा, और आप सीख भी जाते हो, तो ठीक है, आपके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कि हर मैच में आप 150-200 मार रहे हो, तो जाके आप कहीं ना कहीं आपका चांस बनता है ओपनली खेलने के बाद, कि चांस बनता है कि हो सकता है आपका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन होते, बट वो बहुत कम चांस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 23 साल के बाद मतलब इंडिया और आईपीएल नहीं खेल सकते, बहुत रियल चांस होता है, क्योंकि 23 साल में आप स्टार्ट करते हो, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी नहीं होता है कि आप 23 साल में स्टार्ट करके वो खेल जाए, एक आधी में ही होता है जो होता है। ठीक है, और जो बाकी 16 के हैं वो अपना क्रिकेट खेले, 16 के हैं जो 19 के हैं ये सब खेल सकते हैं। ठीक है, इनके पास है टाइम, और जो 23 के भी हैं, मान लो कि उसने पहले से क्रिकेट खेल रहे, ठीक है, और वो अब 23 का हो गया, तो हो सकता है उसने 19 परफॉर्म करा स्टेट, ठीक है, 19 स्टेट खेला हुआ, फिर 23 स्टेट खेला हो, तो वो बंदा ऑब्वियसली आगे खेल जाएगा, वो हो सकता है इंडिया के लिए भी खेल जाए, क्योंकि उसने आपके पास एक चांस होना चाहिए कि आपने एक बार भी रिप्रेजेंट करना, चाहे 16, 19, 23 स्टेट, तो आपके पास चांस है कि आप गेम को कंटिन्यू रखो और आगे भी आप खेल जाओगे। बट आपने कुछ नहीं खेला, ना 16 खेला है, ना 19 खेला है, ना 23 खेला है, तो आपके पास ना के बराबर चांस है, ना के बराबर। ठीक है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास टैलेंट हुआ तो आप खेल जाओगे, अदरवाइज बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है कि आप खेल पाओ। ठीक है, सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो भी बच्चे क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जूनियर है, जो 6-7 साल के हैं, वहाँ से आप क्रिकेट स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और आप इंडिया और आईपीएल किसी चीज़ के लिए भी खेल सकते हो। और जो 16 के हैं, 19 के, ये बच्चे भी अपने क्रिकेट स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से उनके पास चांस होता है 23 का, 19 का जो बच्चा उसके पास चांस रहता है 23 का, क्योंकि 19 साल का वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके पास 4 साल टाइम है 23 के लिए, वो अपना गेम बनाए, गेम को बना के फिर उसके बाद से परफॉर्मेंस वगैरह लीग में दे और पार्टिसिपेट करे, देन उसके पास परफॉर्म करेगा तो वो स्टेट खेलेगा तो आगे खेल जाएगा। ठीक है, बट 23 वालों के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन में 1% है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो ही ट्राई करो, अदरवाइज मत ट्राई करो, क्योंकि क्रिकेट 99% घर को बर्बाद करता है तो 1% घर को बनाता है। ठीक है, तो क्रिकेट, और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ये नोट कर लेना, ठीक है, जब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्रिकेट खेलो, साथ साथ में अपना पढ़ाई जो स्टडी है आपको उसको लेके चलना, मतलब उसे कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, गेम खेलो, छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट या फिर मैसेज या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पे भी कर सकते हो, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।